बुक से स्टडी कर रहे हैं ताकि आप सेल्फ स्टडी भी कर पाएं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल हम वीके मेहता से पढ़ाते हैं आपको, वैसे ही आज रीजनिंग आरके झा सर की जो बुक है, आरके झा याद रखना, आरके झा सर की जो बुक है उससे पढ़ाएंगे। आप भी ले सकते हैं मार्केट से, 100 से 150 रुपए की बुक आ जाती है, उसमें बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं, आप भी सेल्फ स्टडी करके उससे तैयारी कर सकते हैं और न समझ आए तो हमारे बैच से भी पढ़ सकते हैं। तो वैसे तो काफी लोग रीजनिंग को अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं आपको कैलेंडर से स्टार्ट करूंगा, इसके बाद क्लॉक कराऊंगा, फिर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझाता चलूंगा। तो आज का हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो होगा कैलेंडर, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि कैलेंडर क्या होता है। हम कैलेंडर का प्रयोग तारीख देखने के लिए करते हैं कि आज कितनी तारीख है, कौन सा दिन है, कैलेंडर का प्रयोग इसलिए किया जाता है। लेकिन कैलेंडर से रिलेटेड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि भाई 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या 15 अगस्त 1947 को अगर दिन कुछ था तो उससे कंपेयर करके आगे की तारीख पूछ ली जाती है। कैलेंडर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हमें ट्रिक नहीं पता होती है, इसलिए हम उन्हें नहीं कर पाते हैं। तो उन्हीं ट्रिक्स को मैं बहुत ही आसान तरीके से आज आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा कि यदि 15 अगस्त 1947 को दिन शुक्रवार था, यानी फ्राइडे था, तो उसके सही 4 वर्ष बाद 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार कैसे काउंट करें इतना लंबा समय, तो वो सभी ट्रिक्स की सहायता से सॉल्व किए जाते हैं। या आपसे पूछ लेगा कि आज कौन सा दिन है, आपको तारीख बता देगा और आज का दिन पूछ लेगा, तो भी आप नहीं निकाल पाएंगे। या पूछेगा कि लीप ईयर कौन सा होता है, यानी कोई भी वर्ष लिख देगा और आपसे बोलेगा कि ये लीप ईयर है या नहीं है, तो आप कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। उन्हीं सभी बातों को बहुत ही आसान तरीके से हम आज सिखाएंगे। आप सभी जानते हैं जो साधारण वर्ष होती है यानी नॉर्मल ईयर, वो 365 दिन का होता है। क्यों होता है 365 दिन का, क्योंकि उसमें फरवरी का जो महीना है वो 28 दिन का रहता है, आप सभी को पता है। और जो लीप ईयर होती है, लीप ईयर का जो महीना होता है फरवरी का, वो 29 दिन का हो जाता है, इसीलिए उस वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, इसीलिए वो हो जाती है 366 यानी 366 दिन का। समझे बात, यानी सिर्फ फरवरी की वजह से ही एक दिन बढ़ जाता है और उसको कहने लगते हैं हम लीप ईयर। और फरवरी अगर 28 दिन का रहता है तो 365 दिन का वर्ष रहता है, इसीलिए उसको बोलते हैं साधारण वर्ष। अब ये जो लीप ईयर होता है, यानी जो 29 फरवरी आती है, वो प्रत्येक 4 वर्ष बाद आएगी। मतलब मान लीजिए अगर लीप ईयर सन 2004 है, तो अगला लीप ईयर ना तो सन 2005 होगा, ना 6 होगा, ना 7 होगा, सन 2008 में आएगा। यानी प्रत्येक 4 वर्ष बाद ये कैलेंडर रिपीट होता रहता है। कहने का मतलब ये हुआ लीप ईयर कहने का मीनिंग ये हुआ कि लीप ईयर प्रत्येक 4 वर्ष बाद रिपीट होती है, यानी बीच में नहीं आती है कि ऐसे हुआ अब लीप ईयर, अगले साल फिर से लीप ईयर आ गया, ऐसे नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ष बाद ही रिपीट होता है। तो उन्हीं सभी चीजों को हम बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। हम कैसे चेक करें कि कौन सा लीप ईयर होता है, कौन सा लीप ईयर नहीं होता है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा एक ट्रिक, चेक करने वाली ट्रिक। कभी भी लीप ईयर और नॉन लीप ईयर चेक करने के लिए एक ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है, आप ध्यान से देखना। ये लिखा है 1947। अब हमें ये पता नहीं है ये लीप ईयर है या नॉर्मल लीप ईयर, अब हमें ये पता नहीं है ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, यानी लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है, कैसे पता करें 1947 का। तो इसमें भैया लास्ट के 2 अंक उठा लेते हैं, यानी लास्ट के 2 डिजिट, यानी जो 1947 लिखा है इसके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। अगर कंप्लीटली कट जाता है तो होगा लीप ईयर, नहीं कट पाता है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाता है, तो कहलाएगा साधारण वर्ष। और साधारण वर्ष का मतलब होता है फरवरी में 28 दिन, ठीक है। तो 47 क्या 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 बचा रिमाइंडर 3, तो ये भैया साधारण वर्ष हो गया, क्योंकि ये 4 से 2 डिजिट लास्ट के कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाए। अच्छा अगला वर्ष देखते हैं, इसके लास्ट के 2 अंक यानी 1996 के
लास्ट के दो अंक को चार से डिवाइड करके देखते हैं। तो दे लीजिए डिवाइड, चार एकम चार, चार दूना आठ और चार चौक सोलह, तो ये तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। और जब भैया कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं लास्ट के दो अंक, यानी किसी भी वर्ड्स के लास्ट के दो डिजिट को ही करना है, तो अगर दो डिजिट लास्ट के दो डिजिट कम्प्लीटली डिवाइड हो गए तो समझ जाइए ये लीप ईयर है। तो कहने का मतलब ये हुआ पूरा पूरा कट गया तो 1996 इज अ लीप ईयर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस वर्ष में 1996 में 100% बोल सकता हूँ फरवरी 29 दिन की होगी। ऐसे चेक किया जाता है लीप ईयर, चार से ही डिवाइड देंगे हमेशा। ट्रिक जो है किसी भी वर्ष के लास्ट के दो डिजिट को अगर चार से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें पता चल जाता है कि ये लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। अच्छा, सन 2021 है, इसको कैसे चेक करेंगे? लास्ट के दो डिजिट को चार से डिवाइड करके देख लीजिए, कंप्लीटली कट रहा है तो लीप ईयर कहलाएगा, नहीं कट रहा है तो नॉन लीप ईयर कहलाएगा। क्या चार से 21 कट रहा है? नहीं कट रहा है सर। अब नहीं कट रहा है तो ये साधारण वर्ष है। अब कोई भी वर्ष लिख लो, जरूरी नहीं है कि मैं ही लिखूं, आप भी लिख के देख सकते हैं। मान लीजिए 1847 लिख लिया मैंने, क्या 47 चार से कट जाएगा? नहीं कटेगा। अच्छा, सन 2006 लिख लेते हैं, सन 2006, क्या लास्ट के दो डिजिट चार से कट जाएंगे? छह कभी कट सकता है क्या चार से? कभी नहीं कर सकता, ये लीप ईयर नहीं है। अच्छा, यहाँ सन 2024 लिख ले रहा हूं मैं, क्या 24 चार से डिवाइड हो जाएगा? सर बिल्कुल हो जाएगा, 4 6 24, 4 6 24, यानी 4 से 24 कंप्लीटली कट गया तो ये लीप ईयर है। तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा लीप ईयर है कौन सा लीप ईयर नहीं है। और आपको पता होना चाहिए जब भी लीप ईयर आता है उसमें फरवरी 29 दिन की होती है और 366 दिन हो जाते हैं उस वर्ष में। और लीप ईयर हर एक चार वर्ष बाद रिपीट होता है। मान लीजिए अगर लीप ईयर सन 2024 में है तो अगला लीप ईयर सन 2028 में आएगा 100%, यानी चार वर्ष बाद रिपीट होता है। ये सभी बातें आपको पता होना चाहिए कैलेंडर के बारे में। अच्छा सर, हमने लीप ईयर का तो पता लगा लिया, लीप ईयर का पता लगा लिया, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो सर हमें एक डाउट है कि ये जो वर्ष है 1948, इसके तो लास्ट के दो डिजिट को हम चार से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन सर ये जो 2000 है ये तो नहीं होगा ना, इसमें तो ऑलरेडी लास्ट के दो अंक जीरो हैं, तो इसको कैसे करेंगे? या फिर 1900, या फिर 1800, या फिर 1700, यानी लास्ट में ये जो 100 लगता है तो इसको बोलते हैं भैया सेंचुरी ईयर्स, यानी 100 वर्ष बाद आता है। तो इसके लिए अलग से एक ट्रिक है। इसके लिए ट्रिक क्या है? इसके लिए ट्रिक है यानी इसके स्टार्टिंग के दो अंक को चार से डिवाइड कर दीजिए। अगर स्टार्टिंग के दो अंक यानी स्टार्टिंग के दो डिजिट चार से डिवाइड करके देखोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, चार एकम चार और चार पंजे 20, यानी ये लीप ईयर है 100 में 100%, यानी 2000 जो है वो लीप ईयर है। तो सर 1900 को करेंगे कैसे करेंगे? लास्ट के दो डिजिट चार से कर देंगे तो नहीं कट रहा है तो ये नॉन लीप ईयर है। 1800 को करेंगे यानी 18 को चार से करेंगे तो नहीं कट रहा है, ये नॉन लीप ईयर है। 1700 को करेंगे यानी 17 को चार से करेंगे, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी नॉन लीप ईयर है। यानी वर्षों में दो प्रकार की वर्ष आती है, एक सेंचुरी ईयर आती है और एक नॉर्मल ईयर आती है। यानी जब भी 2000, 3000, 4000, 5000 यानी लास्ट में दो जीरो आ जाए तो उसमें स्टार्टिंग के दो अंक को चार से डिवाइड किया जाता है। समझे आप? फिर से नोट करके लिख लेना, अगर वर्ष कंप्लीटली कट जाते हैं दो अंक यानी पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं तो वो कहलाता है लीप ईयर, और नहीं कट पाते हैं तो वो कहलाता है नॉन लीप ईयर। और ये वाली ट्रिक भी याद रखना, ये है सेंचुरी ईयर के लिए। जब भी भैया ऐसे आ जाए, मान लीजिए 2000 या 2100, सन 2100 आ जाए, तो इसमें स्टार्टिंग के दो अंक को डिवाइड किया जाता है चार से, इसमें लास्ट वाले नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ से आप वर्ड्स को पहचानना सीख गए। अब बात करते हैं मंथ की, यानी महीने में कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो महीने के लिए हम कोड लिखेंगे। ठीक, तो इसको आप नोट डाउन करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। कई बार आप सभी को एक कन्फ्यूजन रहता है कि कोई महीने में 30 दिन रहते हैं, किसी महीने में 31 दिन रहते हैं, किसी में 28 रहते हैं, किसी में 29 रहते हैं। तो आपका ये कन्फ्यूजन भी आज हम आपको दूर कर देंगे। तो इसको चेक करने का एक तरीका है, आप अपना इस तरीके से हैंड लीजिए और हैंड में इस तरीके से ये जो गांठ है और उसके बाद एक गड्ढा आता है,
फिर गांठ आती है, फिर गड्ढा आता है, फिर गांठ, फिर गड्ढा, तो उस पर आप काउंट कर सकते हैं जनवरी यानी 31 दिन, जो उठा हुआ है वो 31 दिन और जो बैठा हुआ है यानी जो गड्ढा है वो 30 दिन का होता है, समझे बात। यानी जो ऊपर वाली गांठ है इस पे जनवरी लीजिए, जनवरी 31 दिन। अब अगला आएगा फरवरी, तो फरवरी किसका हो गया 30 दिन का। फिर अगला वाला जो आएगा वो गांठ उठ गई ना, यानी ये वाला जनवरी गांठ पे आ रहा है इस तरीके से, फिर फरवरी नीचे आ रहा है इस हाथ में इस तरीके से, देखिए आप, यानी ऊपर उठी हुई गांठ जनवरी को दर्शा रही है, फिर नीचे बैठा हुआ फरवरी को दर्शा रहा है, फिर मार्च को गांठ दर्शा रही है, फिर गड्ढा किसको दर्शा रहा है, अप्रैल को दर्शा रहा है। इसीलिए गांठ गड्ढे यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस तरीके से हमें पता चलता है जो उठा हुआ है वो 31 दिन का और जो बैठा हुआ है वो 30 दिन का। तो इसी तरीके से हम अपने हाथ से चेक कर सकते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी सभी महीनों के दिन चेक कर सकते हैं। एक महीना होता है जिसका नाम है फरवरी, इसमें कंफ्यूजन रहते हैं कई लोग कि 28 का होगा या 29 का होगा, वो डिपेंड करता है कि वर्ष लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। वो आप वही ट्रिक लगाएंगे जो इससे पहले हमने ट्रिक बताई थी, ये लास्ट के दो अंक 4 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर लीप ईयर है तो फरवरी 100% 29 दिन का होगा, और नॉन लीप ईयर है तो फरवरी 28 दिन का होगा, वहां से निर्धारित होता है फरवरी के महीने के दिन उस ट्रिक से, ठीक है। तो हमने आपको सारा कुछ यहां से सिखा दिया कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, वो कैसे निकालते हैं, वो सारा कुछ हमने आपको अच्छे से बताया। लेकिन इनके कोड होते हैं, इनके कोड की सहायता से अब भैया कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर तो हम दिसंबर के 30 दिन ना लिख के इसका कोड लिखते हैं, यानी क्वेश्चन में इसका कोड लिखा जाता है। तो सर कोड कैसे पता करते हैं, अब कोड निकालने के लिए हमें लगानी होगी यहाँ क्या ट्रिक। अब ट्रिक क्या होती है, अब महीनों के कोड निकालने के लिए एक बहुत ही आसान ट्रिक है जिसका नाम है 7। यानी किसी भी महीने को अगर 7 से डिवाइड किया जाता है तो उसका कोड निकल के आ जाता है, यानी कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ईयर का कोड निकालना हो तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से पता करेंगे, ठीक है। किसी भी वर्ष को अगर चेक करना है लीप ईयर या नॉन लीप ईयर तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे। अगर महीने का कोड लिखना है तो उसे 7 से डिवाइड करेंगे। कैसे करें सर, अब मान लीजिए मुझे यहाँ से दिसंबर का कोड लिखना है ट्रिक लगा के, तो मैं कैसे लिखूंगा। दिसंबर में आप सभी को पता है 31 दिन होते हैं, यानी 31 डेज का होता है दिसंबर, तो इस पे मैं जब ट्रिक अप्लाई करूंगा तो इसे 7 से डिवाइड कर दूंगा, तो कितने टाइम जाएगा, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, यानी 7 4 28, लेकिन 7 5 35 करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो 28 चला गया, तो रिमाइंडर कितना बचा 3, यानी 28 + 3 = 31, यानी 31, तो यहां से रिमाइंडर बच रहा है 3, तो जो 3 बच रहा है वही दिसंबर का कोड कहलाएगा, नहीं यानी कि जो रिमाइंडर बचता है, यानी जो शेष फल बचता है, जो शेष बचता है रिमाइंडर बचता है उसी को क्या बोलते हैं, उसका कोड। अब मान लीजिए मैं नवंबर का नवंबर में जो दिन होते हैं वो होते हैं 30, अगर 30 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो इसका कोड कितना आ जाएगा, यानी 7 × 7 = 14, 7 × 21, 7 × 28, यानी रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ रिमाइंडर बच रहा है 2, तो यहाँ से नवंबर का कोड आ जाएगा 2। अब आप सोच रहे होंगे कि यार कितना कन्फ्यूजन है, ये कैसे याद करेंगे, हम कैसे निकालेंगे, इतना टाइम वेस्ट होगा एग्जाम के अंदर। ये कुछ भी नहीं है, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप भी इसको चुटकियों में निकालने लग जाएंगे मेरी ही तरह। इसके लिए मैं अलग से शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन भाई ट्रिक से पहले आपको कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी होता है, जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो ट्रिक तो आप खुद बना लेते हैं। एग्जाम में आप ट्रिक भूल सकते हैं लेकिन कभी कॉन्सेप्ट नहीं भूलते, पहले कॉन्सेप्ट सीखिए उसके बाद हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है। अब मान लीजिए अक्टूबर का निकालना है तो 7 से डिवाइड करेंगे, बचेगा रिमाइंडर 3, यहाँ करेंगे तो रिमाइंडर 2, यहाँ करेंगे तो 3, यहाँ करेंगे तो 3, यहाँ करेंगे 2, यहाँ करेंगे 3, यहाँ करेंगे 2, यानी अगर 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचता है और 30 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 बचता है, सीधे सीधे मैं आपको बता रहे हैं। यहाँ आएगा कितना 3 और जनवरी का 3। तो हमने आप सभी को सभी महीनों के कोड निकाल के दिखा दिए, किसी का 3 आ रहा है, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 2,
लेकिन सर जब फरवरी की बात आती है तो अगर हम 28 को 7 से डिवाइड कर देते हैं तो ये कंप्लीटली चला जाता है, यानी जब महीना होगा 28 दिन का तो फरवरी का कोड होगा 0। अगर सर हम 29 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 1। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर फरवरी 28 दिन की है, कहने का मतलब अगर साधारण वर्ष है फरवरी 28 दिन की है तो फरवरी का कोड होगा 0, और फरवरी 29 दिन की है तो फरवरी का कोड होगा 1। लेकिन हमने सर निकालना सीख लिया ट्रिक लगा के कोड, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक लिखवा दीजिए कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे लर्न करें कि कौन से महीने का कोड क्या है। तो अब मैं लिखवा देता हूँ चुटकियों में याद करने का तरीका। नौ के कोड्स लर्न करने के लिए आपको इतना बड़ा कॉन्सेप्ट लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लेकर आए हैं बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक। वो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, शॉर्ट ट्रिक टू लर्न मंथ्स कोड्स क्या होगी भैया, ए जे एस एन यानी अप्रैल जून सितंबर नवंबर, याद कर लीजिए अप्रैल जून सितंबर नवंबर का कोड होगा 2, यानी इन महीनों के अंदर जो दिन होते हैं वो 30 दिन होते हैं, अगर 30 को 7 से डिवाइड किया जाता है तो बचता है 2, कभी भी करके देख लीजिए आप, यानी अप्रैल जून सितंबर नवंबर का कोड होगा 2 और बाकी महीने जितने भी बचते हैं सभी का कोड होगा 3। यानी अप्रैल जून सितंबर नवंबर को छोड़ के जो भी महीने रह जाते हैं उनमें दिन 31 दिन रहते हैं, चाहे दिसंबर की बात हो चाहे जुलाई की बात हो चाहे अगस्त की बात हो, इन महीनों में कितने दिन रहते हैं 31 दिन, अगर 7 से डिवाइड किया जाता है तो बचता है 3, इसीलिए उन सभी का कोड हो जाता है 3। एक महीना है जिनमें आप कंफ्यूज होंगे वो है फरवरी, फरवरी का कोड होगा भैया कभी तो 0 होगा कभी 1 होगा, वो डिपेंड करता है कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। अगर साधारण वर्ष है तो कोड होगा कितना 0, और लीप वर्ष है तो उसका कोड होगा 1, क्योंकि उसमें 29 दिन की होती है फरवरी, अगर 29 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आता है 1 रिमाइंडर, अगर 28 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आता है 0। तो यहां से बहुत ही आसान तरीके से आपने शॉर्ट ट्रिक की सहायता से मंथ्स कोड भी लर्न कर लिए। ये सभी जितना भी मैंने आपको कराया है, चाहे आप वर्ष को चेक करना हो साधारण वर्ष या लीप वर्ष या मंथ्स कोड हो, ये सभी आगे क्वेश्चन में यूज किए जाएंगे ट्रिक में, यानी इन सभी को अच्छे से सीख लें आप, ठीक है। तो यहाँ से इसको नोट डाउन करें, फिर आपको क्वेश्चन लगाना सिखाते हैं ट्रिक की सहायता से। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो 2-3 प्रकार से आते हैं, यानी क्वेश्चन टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 से आते हैं मोस्टली, लेकिन कुछ क्वेश्चन अलग भी आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन अलग से भी पूछे जाते हैं, वो भी हम आपको कराएंगे, लेकिन फिलहाल आप टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 क्वेश्चंस को सीखें क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। टाइप 1 जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस तरीके से पूछा जाता है कि उसमें पूछा जाएगा अगर, यानी यदि 15 अगस्त 1947 को दिन फ्राइडे है, यानी 15 अगस्त 1947 को दिन शुक्रवार है, तो अगले वर्ष 15 अगस्त 1948 को कौन सा दिन होगा। तो आपने नोटिस किया होगा क्वेश्चन के अंदर क्या है, तारीख भी वही है महीना भी वही है यहाँ दोनों जगह, यानी तारीख यानी डेट और मंथ सेम है, सिर्फ और सिर्फ वर्ष चेंज हो रही है। यानी इस तरीके के क्वेश्चन पे जो ट्रिक लगेगी वो टाइप 1 से रिलेटेड लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा टाइप 2 से, उसमें क्या होगा, उसमें डेट भी चेंज होगी महीना भी चेंज होगा लेकिन जो ईयर है वो सेम रहेगी। अब यहां देख सकते हैं, यहां आप टाइप 2 का क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरीके से आएगा, 27 जनवरी 1947 को कोई दिन है तो 28 नवंबर 1947 को कौन सा दिन होगा। यहां से आपने नोटिस किया होगा कि वर्ष तो समान है, दोनों जगह वर्ष समान है लेकिन तारीख भी बदल रही है और महीना भी बदल रहा है, लेकिन टाइप 1 में ऐसा नहीं था, तारीख भी समान थी दोनों जगह, महीना भी समान था लेकिन वर्ष चेंज हो रही थी। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर कौन से क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लगाएं, तो उन्हीं सभी बातों को मैं बहुत ही आसान तरीके से तो सिखाऊंगा ना, यानी टाइप 1 अलग से सिखाऊंगा, टाइप 2 अलग से सिखाऊंगा, और टाइप 3 में क्या होने वाला है आपके साथ, तारीख भी चेंज होगी दोनों जगह, महीना भी दोनों जगह चेंज हो जाएगा और वर्ष भी दोनों जगह चेंज हो जाएगी, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे करें। तो इसीलिए हमने टाइप 1 यानी ऐसे क्वेश्चन को टाइप 1 में रखा, ऐसे क्वेश्चनों को टाइप 2 में रखा और इस तरीके के क्वेश्चन को टाइप 3 में रखा। क्वेश्चन टफ नहीं होता है, क्वेश्चन आसान ही होता है, लेकिन ट्रिक लगाने का तरीका होता है,
30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन खत्म हो जाता है, यानी 30 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही तेजी से। लेकिन सीखने के बाद जैसे ही आप क्वेश्चन को सीखेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां से टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के एग्जांपल लिख सकते हैं आप, यहां से नोट डाउन करिए। तो यहां से आप टाइप 1 से रिलेटेड स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है, रीजनिंग से रिलेटेड पूछा गया। तो रीजनिंग से तो कैलेंडर से किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, यदि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था यानी फ्राइडे था, दोबारा से देखिए, 15 अगस्त 1947 को दिन शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1949 को यानी 15 अगस्त 1949 को कौन सा दिन होगा। कौन सी ट्रिक से मैच कर रहा है, टाइप वन से मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ तारीख भी समान है, महीना भी समान है, सिर्फ और सिर्फ वर्ष चेंज हो रही है। आप देख सकते हैं 47 है, यहाँ 49 है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ वर्ष चेंज हो रही है। तो इस पे ट्रिक कौन सी लगेगी, टाइप वन से रिलेटेड, ठीक है। एक ट्रिक जो लगेगी, कैसे अप्लाई करेंगे हम ट्रिक को, जो है कैसे अप्लाई करेंगे हम, तो क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग में दे रखा है उसको ऊपर लिख लेंगे और उसका दिन सामने लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट पूछा है उसको नीचे लिख लेंगे इस तरीके से, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि यहाँ पूछा गया है। फिर देखेंगे वर्ष, यहाँ भैया 47 है, यहाँ 49 है, यानी कि दो वर्ष बाद की बात हो रही है, तो फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर की बात हो रही है, तो इधर से इधर के लिए एक एरो खींच देंगे, क्योंकि भैया भविष्य में जा रहा है। अगर पास्ट में जाता यानी यहाँ 47 होता और यहाँ 42 होता, अगर पास्ट में होता तो एरो ऊपर की तरफ चला जाता, वो भी आपको क्वेश्चन में सिखाया जाएगा सब कुछ, ठीक है। अब यह ट्रिक कैसे लगेगी, ट्रिक बहुत आसान है, ध्यान पूर्वक देखना। अब यहाँ बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, कहने का मतलब ये हुआ 1949 यानी 1949 में से 1947 को अगर माइनस करते हैं तो बचता कितना है, यहाँ 2 यानी 2 बचा, ध्यान से देखिए, यानी 49 में से अगर 47 को माइनस करा, यहाँ करके देख लीजिए, 49 में से अगर 47 को माइनस करा तो 2 बचा, 2 को इस तरीके से लिख लेंगे, लिख गया, हो गया ना 2। अब यहाँ क्या करेंगे हम यहाँ तीनों वर्षों को चेक करेंगे, यानी 1947, बीच में 1948 भी आ रहा है, और बात हो रही है 1949 की, यानी 1949 तक की, यानी जिस वर्ष तक का कोड पूछा जाए सभी वर्षों को लिखना है, चाहे बीच में कितना भी वर्ष आए, ठीक है। तो क्या 1947 लीप ईयर है, क्या 1947 लीप ईयर है। लीप ईयर चेक करने के लिए हमने आपको ट्रिक बताई थी कि लास्ट के दो डिजिट को 4 से डिवाइड करके देख लो, नहीं हो रहा है सर, नहीं है लीप ईयर। 48 लीप ईयर है, लास्ट के दो डिजिट 4 से डिवाइड करते हैं अगर हम, तो हो जा रहा है 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये लीप ईयर है। क्या 49 लीप ईयर है, 49 नहीं है सर, तो यहाँ भी कट लगा देंगे। तो यहाँ से लीप ईयर कितना आ रहा है, 1, तो 2 में 1 को ऐड कर दिया जाएगा, तो फाइनली कितना आ रहा है, 3, यानी फाइनली कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब 3 फ्राइडे में से 3 दिन माइनस करें या प्लस करें वो निर्धारित कहाँ से होगा, वो निर्धारित होगा इस एरो से। अगर एरो भविष्य की बात कर रहा है तो प्लस हो जाएगा, अगर एरो पास्ट की बात कर रहा है तो माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ भविष्य की बात हो रही है, 49 पहले आता है या 47 पहले आता है, तो वर्षों में 1947 पहले आता है, फिर 1948 आता है, उसके बाद 1949 आता है, ठीक है, आप सभी को पता है। तो सीधे सीधे भविष्य की बात हो रही है, तो यहाँ सीधे सीधे प्लस के 3 होंगे। अगर फ्राइडे में 3 दिन प्लस करते हैं तो आंसर आपका आ जाएगा, यानी फ्राइडे में अगर मैं 3 दिन ऐड कर देता हूँ तो सैटरडे, संडे और मंडे, मंडे इज द राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, सोमवार। अब इस क्वेश्चन को करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कब नहीं लगेगा, जब आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से सीख जाएंगे। लेकिन समय क्यों बर्बाद हो रहा है, क्योंकि अभी आपको ट्रिक लगाना नहीं आता है। जैसे ही आप 10 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ट्रिक लगाना सीख जाएंगे, तो आप इन क्वेश्चनों को तो चुटकियों में उड़ाएंगे। इतना कुछ झमेला लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने माइंड में ही कर सकते हैं। करना क्या था, कुछ भी नहीं था, पहले इन दोनों वर्षों के बीच डिफरेंस लिखना था, फिर उसके बाद लीप ईयर चेक करना था 4 से डिवाइड दे के, हो गया सेकेंड डो में चेक। उसके बाद
दोनों का प्लस करके और चेक कर लेंगे पास्ट की बात है या फ्यूचर की बात है और वही आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप स्क्रीन पर, क्वेश्चन वही है लेकिन थोड़ा चेंज कर दिया उसी क्वेश्चन में। क्या है, यदि 15 अगस्त 1947 को दिन शुक्रवार है तो 15 अगस्त 1942 को कौन सा दिन था। अब हम बैकवर्ड में चले गए यानी 47 से 5 वर्ष पीछे चले गए, पीछे कौन सा दिन होगा। अभी तक हमने फ्यूचर में पूछ रहे थे यानी पहले क्वेश्चन में क्या था, 47 से 49 की बात कर रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में 47 से 42 में चले गए यानी बैकवर्ड में चले गए। तो अब यहाँ ट्रिक तो वही होगी लेकिन थोड़ा चेंज हो जाएगा। ट्रिक में क्या होगा, यहाँ हम डिफरेंस निकालेंगे यानी 47 और 42 के बीच डिफरेंस आ रहा है 5 आ गया जी। अब 47 से लेकर 42 तक यानी 42, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946 और 1947 तक चेक करेंगे कि कितने लीप ईयर हैं यानी 42 और 47 के बीच में कितने लीप ईयर हैं। अगर इसको 4 से डिवाइड देते हैं तो क्या हो रहा है, 42 4 से डिवाइड हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो ये है नॉन लीप ईयर, ये भी नॉन लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, ये नॉन लीप ईयर है, ये हो जाएगा क्या 4 एकम 4, 4 एकम 4, नहीं हो रहा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ कितना लीप ईयर है, एक लीप ईयर आ रहा है निकल के, तो यहाँ से एक इसमें ऐड कर देंगे तो फाइनली जो आ जाएंगे 6 यानी 6 इज द कोड। लेकिन कोड प्लस का होगा या माइनस का होगा वो निर्धारित करेगा पास्ट की बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है। भैया यहाँ से 47 का तो दिन दिया हुआ है शुक्रवार, हमें निकालना है 1942 का दिन, तो पहले आता है 1942 47 से या बाद में आता है, ये तो सर 5 वर्ष पहले ही आ चुका है, तो यहाँ पास्ट की बात हो रही है सर, तो एरो लगेगा ऊपर की तरफ यानी पास्ट में। अब भैया जब पास्ट में जाते हैं तो यहाँ जो कोड होता है वो माइनस का हो जाता है, कहने का मतलब ये हुआ अगर ये एरो नीचे की तरफ है तो कोड प्लस का होगा, अगर ये एरो ऊपर की तरफ है तो कोड माइनस का होगा। तो यहाँ फ्राइडे में 6 दिन पीछे की तरफ जाएंगे, हम 6 दिन पीछे की तरफ जाएंगे, तो यहाँ लिख लीजिए मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे, तो फ्राइडे से 6 दिन पीछे चलिए 1 2 3 4 यानी 4 दिन तो ये हो गए मंडे तक। यहाँ आएगा संडे और संडे से 1 दिन और पहले तो आ जाएगा सटरडे, यानी कि सटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे यानी फ्राइडे से 6 दिन पीछे चले गए तो आ जाएगा आपका क्या दिन, शनिवार। तो यहाँ से राइट आंसर जो हो जाएगा आपका दिन हो जाएगा सटरडे दिन शनिवार। कहने का मतलब ये हुआ क्वेश्चन में पूछा गया यदि 15 अगस्त 1947 को दिन शुक्रवार है तो 15 अगस्त 1942 को कौन सा दिन होगा, तो वो दिन होगा शनिवार, सटरडे इज द राइट आंसर। अब ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है इसीलिए मैं इन क्वेश्चनों को इसी टाइप वन के क्वेश्चन ही नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, यहाँ सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना था मुझे, सो मैं समझा चुका हूँ। मुझे इस लेक्चर में आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना था, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। यानी अभी आपको कन्फ्यूज़न लग रहा होगा कुछ, आपके सारे कन्फ्यूज़न मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूर कर दूंगा बहुत ही इजी ट्रिक्स के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, टूडे वी विल बी कमिंग सून विथ शॉर्ट ट्रिक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।